अब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपनी बात को समझाना पड़ता है, तब जाके कहीं ऐसा होता है। ये जो कार्यक्रम है ये बहुत पहला है, और मैं समझता हूँ शांत स्वरूप बौद्ध जी के द्वारा ही, ये जब ये अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के तब ये कार्यक्रम स्टार्टिंग हुआ था जी। बीच में कुछ ऐसा सोचा गया कि चलो भाई शांति स्तूप पे हम किया जाए, तो शांति स्तूप पे भी किया, लेकिन हम 3 साल से लगातार यहीं पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। परेशानी आती है हमारे सामने, लोगों को समझाना पड़ता है, और सबसे बड़े जो दिक्कत है वो ये हमारे सामने ये आती है कि सब लोग जिससे भी बात करते हैं वो ये कहता है कि बाबा साहब तक तो ठीक है, बाबा साहब को तो हम मानते हैं, बाबा साहब को तो हम जानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को नहीं। ये हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को कहना, फिर समझाना पड़ता है कि भाई बाबा साहब को अगर तुम जानते हो, सच्चाई जानते हो, बाबा साहब की अगर तुमने जीवनी भी पढ़ी है, तो आप भगवान बुद्ध को मानने से रोक नहीं सकते अपने को। हमारे जीवन में हमारे पग पग पर जब हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म से हम अलग नहीं रह सकते। भंडारी, जब भी हम कोई काम करते हैं खुद जल्दी आना पड़ता है, हमारे बगल में खड़ा रहता है वो, ये घात लगाए कि हम इसके प्रोग्राम को कैसे फेल करें। देखिए, एक कहावत है और वो कहावत बिल्कुल 100% सही है, दूसरा दुश्मन है। हमें ये पता है कि दूसरा आदमी दुश्मन है जी, हम उससे सचेत रहेंगे, लेकिन जो हमें से ही दुश्मन बनता है वो ज़्यादा घातक होता है, और उससे बच पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज जिस संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ, ये संस्था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1955 में रजिस्टर कराया था, और उस संस्था का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने अपनी कलम से लिखा। जैसे बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, इसी तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी से लिया संविधान भी बाबा साहब ने लिखा। और हमें बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है, पड़ता है, कहते भी हैं, सोचते भी हैं कि 1957 में दिल्ली में पहला हमारा प्रादेशिक कार्य डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर चला, उसमें शास्त्री सबसे पहले वो उसके बाद लगातार अध्यक्ष बनते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको पद चाहिए, काम हो या ना हो उनको पद चाहिए, और उन्हें ये पता चलता है कि और चुनाव में तुम हार जाओ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी तिगड़न में रहते हैं कि उसको चुनाव भी नहीं कराते और अपनी संस्था दूसरी बना करके वहीं पर काबिज हो जाते हैं। ये हमारी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये मैं आपको बता दूँ, दूसरे लोग इस संस्था पर लोग आँख गिराए जाते हैं, क्योंकि हर जैसे रिपब्लिकन पार्टी की मैं बात करता हूँ, आज रिपब्लिकन पार्टी के 16 गुट हैं, हो सकते ज़्यादा भी हों, लेकिन 16 मुझे नॉलेज में है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था थी बाबा साहब की बनाई हुई, जिसमें कोई भी गुट नहीं था। हमारे समता सैनी दल है, उसमें भी गुट हैं, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में आज तक कोई नहीं, लेकिन जिसकी सरकार है आज देश में। सर, गुट की बात का जब आप जाते हैं, लेकिन वो नेता क्यों ये बोले? लेकिन ये करने में कहने में अंतर होता है ना जी। कहना आसान होता है, मैं किसी में दोष निकाल दूं और अपनी तारीफ करूं, उसमें कोई हमारे जेब से कुछ जाता नहीं है, लेकिन उस बात पे मैं अमल करूं, उस बात को सीखूं, उसमें बहुत कुछ जाता है। और एक तपस्या है, ये अग्नि परीक्षा होती है हम लोगों की, कि भाई हम किस पथ पर जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और कैसे हम करेंगे, ये अग्नि परीक्षा होती है हमारी। क्या अपील करना चाहते हैं अपने बुद्धिस्टों से? मैं बुद्धिस्टों से ये अपील करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने भारत को बौद्ध में बनाने का प्रयास किया था, और उन्होंने इसी प्रयास के तहत बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। बाबा साहब, जहाँ तक उम्मीद था, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे भंते हैं उस समय के ज़्यादा भंते नहीं थे, कम भंते थे, विद्वान भी थे, लेकिन इतना प्रचार नहीं हो पा रहा था जो बाबा साहब का सपना पूरा हो सके। इसी वजह से बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। हम सभी से आप ये मैं संदेश देना चाहूँगा अपने दिल्ली प्रदेश के बुद्धिस्टों से, कि भाई अधिक से अधिक हम सब लोग बुद्धिस्ट बने और बाबा साहब की जो बनाई संस्था है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत आएँ, इसके बैनर तले काम करें। इसमें क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, भाई बाबा साहब हमारे आस्था हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं अभी, भले वो नहीं है लेकिन नेतृत्व अभी उन्हीं का कर रहा है, तो हम इसी बात को